कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो काली पट्टी है वो सभी लोग यहाँ पे बांध रहे हैं। यहाँ पे एमएलसी हैं दीपक सिंह हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के मुद्दे को छेड़कर हमारे जहां संविधान की मूलभूत संरचना से खिलवाड़ कर रही है, वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, इन तमाम मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने रहते संविधान की छेड़छाड़ नहीं करने देगी। भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। इस बात को लेकर हम आज धरने पर बैठे हैं। यानी ये माना जाए कि सदन में भी आप लोगों का विरोध दिखाई देगा? निश्चित रूप से हम सदन में लगातार सरकार को घेरते रहे और सरकार के पास उसके कोई उत्तर नहीं है। आज हम सरकार के इन कारनामों को सदन के भीतर उठाएंगे। ये काली पट्टी बांध करके आप विरोध कर रहे हैं, इसका क्या असर है? काली पट्टी हम भारतीय जनता पार्टी के जो आंखों पर बंधी हुई है उसे खोलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो काले कारनामे हैं उस काली पट्टी के माध्यम से उन्हें दिखाना चाहते हैं। सरकार जागे, सरकार जन सरोकार के लिए बनी है, सरकार अत्याचार और सरकार जो प्रताड़ना कर रही है उसके लिए नहीं बनी है। नसीमुल सिद्दीकी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या माना जाए कि ये जो प्रदर्शन है आप लोग का सदन में भी दिखाई देगा, और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, पूरी तरीके से फेल हैं। आज हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, किसान मारा जा रहा है, बेरोजगारी की समस्या मुंबई बैठी हुई है। इन सारी बातों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार सीएए लेकर के आई और सीएए बन गया। आगे एनआरसी की संभावना है। इस काले कानून के विरोध में, जो देश को बांटने वाला कानून है, जो संविधान विरोधी कानून है, उसके विरोध में आज हम विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। तो बिल्कुल जो प्रदर्शन है वो लगातार अब दिखाई दे रहा है, चाहे समाज पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी जो है अपने तरीके से जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ है कि केंद्र सरकार से अपील की जा रही है कि जो ये नागरिकता संशोधन एक्ट है उसको वापस लिया जाए। इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई जो है वो चरम पे है, तो उसको लेके जो है लगातार जो है अब सरकार के ऊपर कांग्रेस भी जो है हमलावर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सातानु, कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, विधानसभा में कांग्रेस विधायक भी धरने पर बैठ गए। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस नेता भी विधान भवन पर धरने में बैठ गए हैं। सीए और एनआरसी वापस लेने की मांग की जा रही है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सपा ने पहले ही ऐलान किया था तमाम मुद्दों को लेकर के सपा भी प्रदर्शन कर रही है, और उसके साथ साथ एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी यहां पर इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सपा की अगर बात की जाए तो सपा ने पहले ही ऐलान किया था धरना प्रदर्शन किया, एक बड़े पैमाने पर इसका ऐलान किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार अब तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर सपा के नेता यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने गले में आलू और प्याज की माला पहनी हुई है, हाथों में झंडा लिए हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर एक बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला स्तर पर सीएए, बेकारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और किसानों की समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध समेत अनेकों मुद्दे को लेकर के सपा की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का विरोध जो अभी तक विधानसभा के अंदर था नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के, वो अब सड़कों पे उतर आया है। और विधानसभा सत्र से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक है एमएलसी, आप लोग सड़कों पे उतर आए, अभी तक तो अंदर थे। सड़कों पे इसलिए उतरना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लागू हो गई, हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं